हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कर रहे हैं बियर हेयर स्पा एंड उसका ये रिज़ल्ट है। तो इस रिज़ल्ट के लिए हम सबसे पहले हेयर को शैम्पू कर लेंगे अच्छे से, और दो बार शैम्पू करेंगे किसी भी प्योरीफाइंग शैम्पू से, ताकि हेयर के क्यूटिकल्स ओपन हो जाए और प्रोडक्ट हमारा अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। एंड उसके बाद हम अपने हेयर को ड्राई कर लेंगे। हम अप्रॉक्स 80-70% हेयर को वेट ही छोड़ देंगे, और 80-70% वेट हेयर पे हमें ये प्रोडक्ट लगाना है जो भी हम बना रहे हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा लॉरियल का हेयर स्पा क्रीम ऐड करा है, और मैं उसमें बियर ऐड करने जा रही हूँ। स्पा क्रीम आप कोई सी भी ले सकते हो, बियर भी आप कोई सी भी ले सकते हो, बस दोनों अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए। और अब आप उसको अच्छे से मिक्स कर लो, उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना दो, क्रीमी सा कंसिस्टेंसी हो जाए, ताकि हेयर में अप्लाई करने में ईजी हो। और मैं उसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, और आपको भी जितनी इसकी कंसिस्टेंसी है इतनी ही कंसिस्टेंसी का प्रोडक्ट बनाना है। मिक्स आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सो अच्छे से हमारा प्रोडक्ट मिक्स हो गया है। उसके बाद हमने चार बेसिक सेक्शंस अपने निकाल लिए हैं, और हम एप्लीकेशन अपनी नॉर्मली एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा पतले सेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, वैसे आप थोड़े थोड़े मोटे सेक्शन में भी कर सकते हो, बस प्रोडक्ट अच्छे से लगना चाहिए। और इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि बियर हमारे हेयर को बहुत नरिश कर देती है। किसी के डैंड्रफ है, हेयर फॉल है, उसमें बहुत हेल्प करती है। तो बियर हेयर स्पा अभी मार्केट में नया नया चालू हुआ है, बट ये बहुत अच्छा है। और इस हेयर स्पा को हम डायरेक्ट स्कैल्प से भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये स्कैल्प पे कोई। हाँ, आपको ये एक बार चेक करना है किसी कोई क्लाइंट बियर से एलर्जिक ना हो, अगर वो नहीं है तो ये हेयर स्पा बहुत अच्छा है, आप स्कैल्प पे भी यूज़ कर सकते हो। तो पूरी एप्लीकेशन की वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट कर दी है, वरना बहुत लंबी हो जाती। तो बस हमें ऐसे ऐसे अप्लाई करना है जैसे हम नॉर्मली स्मूदनिंग क्रीम या कुछ भी अप्लाई करते हैं, बस फ़र्क इतना है कि हम इसको स्कैल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। और देखो, हम ज़्यादा कोई पतले सेक्शन नहीं ले रहे हैं। हाँ, अगर आप अभी एक्सपर्ट नहीं हो तो आप पतले सेक्शंस में ही करो, मोटे सेक्शंस में नहीं करो। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप मोटे सेक्शंस में भी कर सकते हो। उसके बाद हम इनको 10 मिनट तक स्टीम दे देंगे, जैसा कि हम हर नॉर्मल हेयर स्पा में करते हैं। बस इसमें बियर ऐड हो गई है, तो पूरा प्रोसीजर हेयर स्पा वाला ही। उसके बाद हम अच्छे से हेयर में उसको क्रीम को मसाज कर देंगे। अभी हमारी बियर एक और चीज़ में काम आने वाली है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो हम अच्छे से इसका मसाज करके अप्रॉक्स क्लाइंट को 10 मिनट की एक रिलैक्सिंग सी मसाज देंगे हेयर में। मसाज का बेनिफिट ये होता है कि मसाज आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, और आपके हेयर में अगर आप ये कह सकते हो कि थोड़ा देखो हेयर स्पा बंदा कराता ही रिलैक्सेशन के लिए, तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, आपका हेयर ग्रोथ बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प से बढ़ जाता है, इसलिए मसाज ज़रूरी होता है। और हमने स्टीम देके जस्ट हटाया है, तो मसाज करते हुए टाइम तक हेयर भी थोड़े ठंडे हो जाएंगे। गर्म हेयर को हम डायरेक्ट वॉश नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्लाइंट बीमार भी पड़ सकता है। तो हम अच्छे से मसाज कर रहे हैं। सारे मसाज स्टेप्स मैंने काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दिए, क्योंकि वरना बहुत लंबा टाइम हो जाता। और मसाज करते हुए आपको कभी भी अपना हैंड क्लाइंट से नहीं हटाना है, रिलैक्सिंग मसाज को बनाने के लिए। उसके बाद हम इनको शैम्पू स्टेशन पे ले आए हैं, और हम बियर को ऊपर से, अभी मैंने कोई प्रोडक्ट निकाला नहीं है हेयर में से, उसी प्रोडक्ट के ऊपर हमने बियर डाली है, और बियर को हम अच्छे से हेयर में इमल्सीफाई कर रहे हैं और पेनिट्रेट कर रहे हैं हेयर में। बियर में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं हेयर और स्किन को इम्प्रूव करने की। बियर हेयर को बहुत अच्छा शाइन, बहुत स्मूदनेस, और डैंड्रफ और हेयर फॉल से फाइट करता है। तो नेचुरल बियर बहुत अच्छी होती है। हाँ, बियर शैम्पूज़ वगैरह की बात नहीं कर रही, बट अगर आप डायरेक्ट बियर यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी होती है वो। पर उसका भी एक तरीका होता है, आप डायरेक्ट बियर से ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप स्पा में यूज़ करोगे, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो हम अच्छे से इमल्सीफाई कर दिया, हमने 10 मिनट क्लाइंट के हेयर पे बियर को छोड़ दिया था। उसके बाद हम दोबारा से इमल्सीफाई करके उसको वॉश कर रहे हैं। मैंने एज इट इज़ बियर बस डाल के हेयर पे थोड़ा सा उसको हेयर में पेनिट्रेट करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, जैसे हम नॉर्मली कोई सा भी मास्क छोड़ देते हैं शैम्पू के बाद। पर अभी हमने इसमें शैम्पू करा नहीं है, हम उसी मास्क को अभी रिंस आउट कर रहे हैं। अच्छे से पूरे हेयर में से हम सारा मास्क निकाल लेंगे, हल्का सा भी नहीं रहना चाहिए। तो सारा मास्क हमने निकाल लिया है हेयर में से, और हेयर को अच्छे से आप क्लीन करके क्लाइंट को दोबारा से शैम्पू स्टेशन से उनकी चेयर पे ले जाएंगे। और ये ध्यान रहे कि ज़रूरी नहीं है कि आप, मतलब
स्प्रे ड्रायर करके दो क्लाइंट को, क्योंकि हमने ऑब्वियसली हेयर को भी रिपेयर करा है, हील करा है, तो आपको हीट पे ड्रायर नहीं करना है, आपको हीट से दोबारा उसको डैमेज नहीं कर देना है। तो हम अच्छा करके हेयर को भेज रहे हैं, हमें नॉर्मल मीडियम हीट पे या लो हीट पे ड्रायर करना है, और हमारा मीडियम और लो हीट पे ड्रायर करके ये रिजल्ट आया है। सो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।